हेलो सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पाठ संख्या है हमारा 12, र और ढ का प्रयोग। पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको र और ढ का उच्चारण बताया था और कुछ शब्द बताया था। और आज की वीडियो में र और ढ को देकर कुछ वाक्य भी पढ़ना है, छोटा सा कहानी है वो हम पढ़ेंगे और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न अभ्यास भी पूरा करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं एक बार फिर से हम लोग इन शब्दों को भी दोहराते हैं और इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न अभ्यास है उसे हम पूरा करते हैं। और ये आपके पुस्तक में पेज नंबर 66 और 67 में है। सो बच्चों आप लोग अपने पुस्तक में पेज नंबर 66 और 67 में देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पहले पता है कि र और ढ किसी भी शब्द से पहले नहीं आते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जैसे पेड़, जड़, पढ़, यहाँ भी कुछ और शब्द दी गई है, जड़, धड़, बढ़, छड़, पढ़, रीड, सड़क, जकड़, कड़क, बढ़ई, पढ़ाई, पकड़, मकड़ी, बढ़िया, बुढ़िया। इसमें र और ढ आपने देखा होगा कहीं भी अक्षर के पहले नहीं है, अक्षर के बीच में है और अक्षर के जो एक अक्षर है उसके बाद में लग के एक शब्द बना हुआ है। अक्षर के बीच में भी जाके वो शब्द को पूरा कर रहा है, शब्द बना रहा है, लेकिन उससे कोई शब्द शुरू नहीं हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं एक पेज नंबर 67। ये वाक्य भी दिया गया है, कहानी है छोटा सा। एक दिन बड़कू नदी में नहाने गया। क्या है? एक दिन बड़कू नदी में नहाने गया, नदी में बाढ़ आई थी। नदी में बाढ़ आई थी, वह किनारे पर खड़ा बाढ़ को देखता रहा। एक जोर की लहर सीढ़ी तक भी आ गई। बड़कू घबराकर भागा और दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी र का प्रयोग है, ढ का प्रयोग है, शब्दों के बीच में दिया गया है और शब्दों के बाद में दिया गया है। इसे एक अलग रंग से भी दर्शाया गया है, जैसे लाल रंग से आप दर्शाया गया है, जिसके मदद से आप जिस रंग की मदद से अच्छे से अक्षर को पहचान सकते हैं, शब्द को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बच्चों प्रश्न अभ्यास दिया गया है, हम लोग इसे पूरा करते हैं। चित्रों को देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। पहला चित्र आप लोग देखेंगे, ये है पेड़, तो आपका बड़ी रह हो जाएगा पेड़। उसके बाद है भेड़, भेड़, और अब है रबड़, यहाँ होगा बड़ी रह। ठीक है, उसके बाद अगला है गुड़िया, तो छोटी बड़ी रह में छोटी की मात्रा, गुड़िया। चिड़िया, बड़ी रह में छोटी की मात्रा लगाएंगे और या चिड़िया। ये है जड़, इस तरह से आप लोग ये बना सकते हैं। उसके बाद है सुरत लेख लिखिए, यानी कि जो शब्द दिया गया है उसे बस आपको देखकर लिखना है। ठीक है, यहाँ जो भी शब्द जैसे दिया है पकड़, रबड़, बढ़ई, पढ़ाई, ये चार शब्द दिए गए हैं, यहाँ जगह भी दिया गया है, तो इसे आपको देख कर लिखना है। यहाँ पर प, क और ड, पकड़ र है, ब है और बड़ी रबड़, प फिर ढ और बड़ी ई बढ़ई, प फिर ढ में आ की मात्रा और बड़ी ई पढ़ाई। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप लोग इस वीडियो की मदद से र और ढ में अंतर भी स्पष्ट कर पाएंगे और सही सही उच्चारण भी कर पाएंगे और इससे दिया हुआ प्रश्न अभ्यास भी पूरा कर सकेंगे। मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि र और ढ का जो प्रयोग है वो किसी भी शब्द को शुरू शुरू में नहीं आता है, किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आता है। ठीक है, ये अक्सर शब्द के बीच में या
अक्षर के बाद लग के शब्द को पूरा करता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो की मदद से आप लोग ये पाठ संख्या जो आपका 12 है और पेज नंबर 66 और 67 है, इसमें आप दिए गए सारे प्रश्न अभ्यास को पूरा कर सकेंगे और शब्दों का सही से उच्चारण कर सकेंगे और वाक्य भी लिखना सीखेंगे। ठीक है बच्चों।